2022 के अंदर अपने चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद में अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेज देते हैं, तो दोस्तों फाइनली आपका चैनल ज़्यादातर कंडीशन में कैंसिल कर दिया जाता है मोनेटाइजेशन से। मतलब आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की जो टीम होती है आपके चैनल को वापस कर देती है मोनेटाइजेशन कैंसिल करने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूरा विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आप अगर अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेजते हैं, उसको अंडर रिव्यू में भेजने से पहले आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अपने चैनल पर खुद से ध्यान देकर ही अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेजना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो आपके चैनल पर फिर री अप्लाई करने का ऑप्शन भी आ जाता है कि आपको आपका चैनल को अंडर रिव्यू से कैंसिल कर दिया गया है, आपको पूरे एक महीने बाद या 20 दिन बाद या 22 दिन बाद चैनल को री अप्लाई करना है। किस तरह से पूरा सारा सेटिंग देखना है, सारी चीज़ समझनी है कि आप अपने चैनल को किस तरह से री अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करने के बाद में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल में विद प्रूफ आपको इस लैपटॉप के ऊपर दिखाया है। आगे मैं इस वीडियो में प्ले करके आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको अपने चैनल को री अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से उसको अंडर रिव्यू में भेजना है, मतलब री अप्लाई आपको अपने यूट्यूब चैनल को कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और कंप्लीट डिटेल में आपको वहाँ पर समझाता हूँ। ओके गाइस, तो सब कुछ समझाने के लिए मैं आ गया हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ पर आपको एक न्यू यूट्यूब चैनल जो फिलहाल रिसेंटली 2022 में आपको किस तरह से अप्लाई करना है सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना है, एक भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, सारी डिटेल आराम से और सही तरीके से बताऊंगा जो कि एकदम जेन्युइन तरीका है। तो उसके लिए दोस्तों एक मेरे दोस्त का चैनल यहाँ पर है और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने इसको एक्सेस किया हुआ है। अब मैं जाता हूँ दोस्तों यहाँ पर चैनल के लोगों पर। चैनल के लोगों पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यूट्यूब स्टूडियो। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए जब यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर मोनेटाइजेशन सेक्शन में मैं जाकर दिखाता हूँ, जब हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है आप देख सकते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रीयूज कंटेंट की वजह से ये चैनल कैंसिल भी हुआ था एक बार में, तो अब यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं आप री अप्लाई करने का ऑप्शन था और वो यहाँ पर आ चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1917 सब्सक्राइबर्स हैं, इसके अलावा 5899 घंटे का वॉच टाइम है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और यहाँ पर 0 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, मतलब कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है। ये चारों स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, जब तक इन पर राइट क्लिक्स नहीं होंगे तो दोस्तों आप अपने चैनल को अंडर रिव्यू में नहीं भेज सकते। तो उससे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आप अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेजते हैं, अंडर रिव्यू का मतलब होता है कि आप अपने चैनल को अपनी चैनल की मोनेटाइजेशन चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, तो उस टाइम पे आपके YouTube चैनल का रिव्यू YouTube पार्टनर प्रोग्राम एल्गोरिथम करता है, मतलब उसका एक रोबोट होता है एल्गोरिथम का, वो खुद से आपके चैनल को रिव्यू करता है, कोई एम्प्लॉय तो आपके YouTube चैनल को रिव्यू नहीं करता है। तो उससे पहले आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैं कॉन्टेंट्स में जाता हूँ, ये जो हमारे कॉन्टेंट्स होते हैं, मतलब जो हमने वीडियो अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर, जैसे कि एक चैनल है इसके ऊपर सिर्फ 9 वीडियो अपलोड हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ का फोकस रखें कि आपके YouTube चैनल पर कम से कम वीडियो होनी चाहिए। शुरू में जितनी आप ज़्यादा वीडियो रखोगे तो उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा। आपको अगर लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरा चैनल रिस्केबल है, चैनल का जो मोनेटाइजेशन है कैंसिल ना हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने चैनल के ऊपर कम से कम वीडियो डालनी चाहिए शुरू में, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। उसके अलावा दोस्तों आपको अंडर रिव्यू में भेजने से पहले अपने यूट्यूब चैनल का खुद रिव्यू करना है, मतलब खुद रिव्यू आप अपने चैनल को खुद से करें। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इन भाई के यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है, 4000 घंटे इनके कंप्लीट नहीं थे, तो इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम पेड यानी बाय किया है, मतलब ख़रीदा है किसी से, ठीक है। तो सारे क्राइटेरिया पूरा हो चुके हैं, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 9 वीडियो है, देखिए एक तो कम वीडियो है, रिस्क कम है, दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर आपको अपने इस चैनल का खुद से अगर रिव्यू करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता होता है जितना अच्छे से आप अपने चैनल को चेक कर लेंगे इतना ही बेहतर है, उसको मोनेटाइजेशन होने में बहुत कम वक्त लगता है जब आप उसको रिव्यू के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये अपने चैनल के ऊपर व्लॉग अपलोड किया करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 और जी 4 5 6 7 8 मतलब 7 8 इन्होंने, ये 7 कह लीजिए आप, 7 व्लॉग्स डाल रखे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये 2 पबजी की वीडियो अपलोड की हैं,
अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक वीडियो प्ले करके, हो सकता है इन्होंने पबजी की जो वीडियो अपलोड की है इसकी वजह से चैनल रिस्केबल बन जाए, तो मैं यहाँ पर आपको चेक करके बता देता हूँ, क्योंकि ये सारे जो कंटेंट है वो इनके खुद के हैं, इसमें तो कोई कॉपीराइट का या रीयूज कंटेंट का कोई इश्यू आ ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने जो 4000 घंटे का वॉच टाइम लिया है इन दो वीडियो से, यहाँ पर आप लोग ये सोचिए कि हो सकता है ये रिस्केबल हो जाए, मतलब यूट्यूब चैनल इसको कैंसिल ना कर दे इन दो पबजी की वीडियो की वजह से। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका चैनल कोई सी भी कैटेगरी का है तो दोस्तों आप उसके ऊपर कोई भी कैटेगरी की वीडियो अपलोड करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और दोस्तों आप अपने चैनल के ऊपर किसी का रीयूज़ कंटेंट का इस्तेमाल ना करें, मतलब रीयूज़ कंटेंट ना करें अपने चैनल के ऊपर किसी भी वीडियो में, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी आप किसी का रीयूज़ कंटेंट करोगे तो दोस्तों आपके चैनल पर स्टार्टिंग में अंडर रिव्यू के टाइम पे तो फिर प्रॉब्लम आनी ही आनी है, उस चीज़ से आपको बचना है। अब बात कर लेते हैं इन दो वीडियोस की, इनको मैं प्ले करता हूँ यहाँ से, पहले इस वीडियो का एक रिव्यू कर लेते हैं। ओके आ जाओ फिर, लाइए पबजी का गद्दा और मैच। यहाँ पर इनकी खुद की वॉइस आ रही है, आप सुन लीजिए। आ जाओ फिर, लाइए पबजी का गद्दा और मैच। देखिए ये इनकी खुद की आवाज़ है, ठीक है? आप इसको थोड़ा सा कट करते हैं, वेट करिए खड़ के, खुद की इनकी आवाज है यहाँ पे भी, ठीक है? और लास्ट में भी, अब लास्ट में इन्होंने क्या किया है, देख तो एक तो इन्होंने बहुत होशियारी दिखाई है कि इन्होंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो के अंदर कोई म्यूजिक यूज नहीं किया है, भले ही वीडियो पबजी की है, वीडियो के अंदर म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया है, और ओवर में इन्होंने अपनी वॉइस को ओवर किया है, मतलब कोई म्यूजिक नहीं है, यहाँ तक कि गन के शॉट्स के साउंड्स भी यहाँ पर नहीं है, और इन्होंने अपनी वॉइस ओवर करके इस वीडियो को अपना कंटेंट बना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। तो आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है, एक तो म्यूज़िक का इस्तेमाल आप ना करें, जैसे अदर किसी यूट्यूब चैनल से नॉन कॉपीराइट म्यूजिक आप अपलोड कर लेते हैं अपने चैनल के अंदर, वीडियो के अंदर यूज़ कर लेते हैं, उनका इस्तेमाल कभी ना करें। और हो सकता है आपने किसी और का, मतलब जैसे दूसरी कैटेगरी का वीडियो होता है जैसे पबजी का, इस तरह से इन्होंने डाला है, तो उसके अंदर आप अपनी वॉइस ओवर करके उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, उससे नो प्रॉब्लम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रॉपर किसी की आवाज़ के साथ में कोई वीडियो अपलोड ना हो, उससे आपको बचना है। हाँ, अगर आपने मान लीजिए कोई पबजी की वीडियो या किसी अदर कंटेंट को अपलोड कर भी दिया, तो आपको एक काम करना है दोस्तों, आपको म्यूज़िक यानी YouTube म्यूज़िक लाइब्रेरी में जाकर उसका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक म्यूज़िक रिप्लेस कर देना है। आपने चाहे किसी का कंटेंट भी अपलोड कर रखा हो अगर गलती से, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो आप उसका म्यूज़िक भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उसके ऊपर ज़्यादा वॉच टाइम है, ज़्यादा घंटे का वॉच टाइम है और ज़्यादा उसके वजह से सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको उसके अंदर से म्यूज़िक को रिप्लेस कर देना है, वीडियो वही रहने देनी है। इस चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो दोस्तों अब ये सेकंड जो वीडियो है इसको मैं प्ले नहीं करूँगा, इसके अंदर भी सेम कंडीशन है। इन्होंने अपने चैनल के ऊपर ये पबजी की वीडियो अपलोड की गेम खेलते हुए और उसके अंदर वॉइस ओवर कर दिया, तो इन दो वीडियो पर मुझे इशू लग रहा था, लेकिन मैंने इनका अच्छे से रिव्यू कर लिया है। अब इनकी ये खुद की वीडियो सारी यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राइट एरिया एकदम से कंप्लीट है और यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं एकदम से। और अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ से इसको रीअप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस चैनल को अंडर रिव्यू के लिए भेज दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू। एक महीने का एक टाइम देते हैं कि आपका चैनल एक महीने के अंदर मोनेटाइज हो सकता है, लेकिन इतना टाइम तो नहीं लगता है दोस्तों, सिर्फ दो दिन, चार दिन या छः दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पर पाँच या छः दिन मानता हूँ कि उसके अंदर ही चैनल मोनेटाइज हो जाता है। कभी कभी अगर आसानी से रिव्यू कर लिया जाता है यूट्यूब एल्गोरिथम की तरफ से, तो चैनल दोस्तों दो दिन के अंदर भी मोनेटाइज्ड हो जाता है। तो दोस्तों आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी है कि किस तरह से आपको अपना यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में भेजना चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और सही यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।